जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे भगवान श्री राम ने पृथ्वी लोक क्यों छोड़ा और वो पाताल लोक में क्यों गए। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे भगवान श्री राम से मिलने के लिए यमराज जी महाराज आते हैं और वो एक ऋषि का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तभी भगवान श्री राम वहाँ से परजा में बैठे रहते हैं और वो साइड में जाके बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं अपने भाई से, लक्ष्मण से बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं यहाँ अंदर बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ जो ऋषि मुनि आए हैं उनसे, आप किसी को अंदर मत आने देना। तब लक्ष्मण ऐसा ही करते हैं, वो किसी को अंदर नहीं आने देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना है और उनसे कुछ बातें करनी है। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, जो प्रभु श्री राम हैं, मेरे भाई हैं, उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तभी हमारे जो दुर्वासा ऋषि हैं, वो आपको पता है कि काफ़ी गुस्सेल माने गए हैं हमारे शास्त्र के अनुसार, तो वो बोलते हैं कि यदि आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं इस पूरे कुलवंश को नष्ट कर दूंगा और श्राप दे दूंगा। लेकिन लक्ष्मण इस बात को मानते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि आप भगवान कुछ भी करें, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हो गया, श्राप दे दिया, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्यों ना मैं ही अपने इस पाप का आभारी बन जाऊं। और अपने भाई का वचन तोड़कर वो अंदर गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने अंदर चले गए कि भैया आपको दुर्वासा ऋषि बुला रहे हैं। तभी श्री राम ने देखा और वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उलंघना तोड़ने की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया और निकालने के बाद उसको त्याग दिया। उसको मार तो नहीं सकता था, लेकिन उसको त्याग कर दिया। भाई के त्याग होने के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी के किनारे पर जाकर तप किया और बाद में वो वहाँ पे अपना शरीर त्याग दिया। उसी पश्चात श्री राम ने अपने भाई को त्यागने के बाद वो भी व्याकुल हो गया और सरयू नदी में समा गए।